हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम आपको इस ड्रेस के साथ की कैप बनाना बताते हैं। ये तो हमारी चार से पाँच नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, तो इसी के साथ की हम आज ये कैप बताएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैचिंग की कैप बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसके लिए मैंने ये दो ही कलर लिए हैं, ब्लू और वाइट। तो आप अपनी पसंद के कलर ले लें, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आज इसके साथ की कैप बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए मैंने इस यहाँ पे 24 फंदे ले लिए हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान सी कैप बताऊंगी। तो 24 फंदे हमने ये वाइट कलर से लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बताएँ कि आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस और कैप कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फंदे डालने के बाद एक सिलाई बना लेंगे इस तरह से, उल्टी उल्टी। ये देखिए, तो ये हम एक सिलाई बनाएंगे इस तरह से, उल्टी उल्टी। तो देखिए, हमने एक सिलाई बना ली है। अब देखिए आगे हम, ये देखिए इधर हमें लगा लेना है इसमें ब्लू कलर। तो देखिए यहाँ पे दो फंदे हम बनाएंगे वाइट कलर से और दो फंदे बनाएंगे हम ब्लू कलर से। ये देखिए, इस तरीके से हम दो फंदे बना लेंगे वाइट कलर से और दो फंदे ये हम ब्लू कलर से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। फिर दो ब्लू कलर के और दो वाइट कलर के, इस तरह से हम पूरी सिलाई में फंदे बनाएंगे। बहुत आसान है बनाने में, देखने में भी बहुत सुंदर लगेगी। जब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो और भी सुंदर लगेंगे इसमें लड्डू गोपाल जी। एक बार बनाकर पहनाकर देखें। ये देखिए, तो इस तरह से देखिए हमने ये पूरी सिलाई बना ली है। अब देखिए, तो इधर की साइड रहेगी हमारी उल्टी और इधर की रहेगी सीधी। तो अब देखिए, इधर से हम बनाएंगे, पहला फंदा उतार लिया, ब्लू को अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पे जो ब्लू कलर के फंदे हैं उन्हें भी ब्लू कलर से, और जो वाइट कलर के हैं उन्हें भी वाइट कलर से, यानी कि इस तरह से उल्टे उल्टे बना लेंगे। उधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से हमने ये उल्टे उल्टे बना लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से देखिए हम इधर से बना रहे हैं।
ये देखिए, तो हमने दोनों तरफ की सिलाई बना ली है। अब देखिए, इधर से हम सारे फंदों को बना देंगे ब्लू कलर से। तो अब हमने ये देखिए सारे फंदे ब्लू कलर से बनाने हैं। ये देखिए, इस तरह से हम पूरी सिलाई को बनाएंगे ब्लू कलर से ही। ये देखिए, तो सारे फंदे हमने बना लिए हैं ये ब्लू कलर से ही। अब देखिए, इधर से भी हम ब्लू कलर से ही बनाएंगे उल्टी उल्टी, यानी कि इधर से भी हमें उल्टी उल्टी सिलाई ही बनानी है। तो दोनों तरफ से हम उल्टी उल्टी सिलाई बना रहे हैं, तो इधर से भी हम इसी तरह से बना लेंगे उल्टी उल्टी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह से एक लाइन बन रही है। देखिए, तो यहाँ पे हम एक ये बन रही है और एक और, यानी कि एक सिलाई और इधर से सीधी तरफ की, उल्टी बनाने के बाद सीधी तरफ की, यानी कि हमें ये एक सिलाई ये बनाएंगे, इससे अलग दो सिलाइयाँ और इसी तरह से ब्लू कलर से उल्टी उल्टी बना लेनी है दोनों तरफ की। तो चलिए मैं बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ बना के। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दो सिलाइयाँ बना ली है। ये देखिए, इधर की दो लाइन हो गई हमारी यहाँ पे, देखिए इस तरह से उल्टी उल्टी। अब देखिए, इधर से हम लगा देंगे इसमें फिर से वाइट कलर। तो इधर से देखिए, पूरी सिलाई हम वाइट कलर से ही बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पूरी सिलाई को और सीधी सिलाई पर आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने वाइट कलर से बना लिया उल्टी सिलाई, आ गए हम सीधी तरफ। तो सीधी तरफ से हम ये देखिए, सीधी सिलाई पे हम पूरी सिलाई इस तरह से सीधी सीधी बना लेंगे। ये देखिए, अब हम देखिए इसी तरह से बनाएंगे सीधी सिलाई, उल्टी तरफ से उल्टी और सीधी तरफ से सीधी। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ और फिर आपको बताऊँगी कि मैंने कितनी सिलाइयाँ ये वाइट कलर की बनाई हैं और कितनी ब्लू कलर की। तो टोटल सिलाइयाँ मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो चलिए मैं बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दो सिलाइयाँ बना ली हैं वाइट कलर की। देखिए यहाँ पे मैंने दो सिलाइयाँ बनाई हैं। तो देखिए, टोटल सिलाइयाँ हमारी यहाँ पे हो गई हैं, एक दो, ये तीन, चार, पाँच और छः। छः सिलाइयाँ हमारी एक तरफ की हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, हम फंदे एक सिलाई में कम करेंगे। तो पहला फंदा उतार लिया, अब यहाँ पे देखिए दो फंदे हम एक साथ बना लेंगे। ये देखिए, एक फंदा बनाएंगे फिर दो फंदे एक साथ, एक फंदा बना लेंगे फिर दो फंदे एक साथ, सातवीं सिलाई में हम फंदे कम कर रहे हैं, एक फंदा बना लेंगे और दूसरे फंदे पे हम दो फंदे एक साथ बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें फंदे कम कर रहे हैं। ये देखिए, तो हमने एक फंदा बना है और एक फंदा कम किया है। अब देखिए, इधर से हम फ्रेंड्स थोड़ा सा लंबा धागा कट करेंगे, जिससे ये हम सिलाई कर सकें थोड़ा सा लंबा। तो चलिए धागा कट करके हम उसमें सुई डाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सुई में धागा डाल लिया है। अब सारे फंदों को हम इस तरह से सुई में
भर लेंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने भर लिए। अब देखिए हम थोड़ा सा हल्का खींचेंगे इसे, सारे फंदों को ये देखिए इस तरह से खींच के टाइट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए इसे उल्टा कर लेंगे और यहाँ पे हम एक नॉट लगा देंगे अच्छे से, जिससे ये हमारी ढीला ना पड़े पीछे से। ये देखिए अब देखिए हम इधर से नीचे यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे इसमें दोनों तरफ से चैन लेते हुए। जैसे भी आपको सिलाई आती हो आप उसी तरीके से सिलाई इस तरह से इसमें लगा लें। और आपको लगे कि आपकी कैप यहाँ से ढीली है तो आप थोड़ी अंदर अंदर तक दबा सकती हैं और आपकी कैप छोटी लग रही है तो, जैसे कि इसमें हमने 7 सिलाइयाँ बनाई हैं एक तरफ की, अगर आपको थोड़ी लंबाई में कम लगे तो आप इसमें इसी तरीके से वाइट कलर से 1-2 सिलाइयाँ और बना सकती हैं। ये देखिए यहाँ पे हम अच्छे से नॉट लगा के धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने कैप को सीधा कर लिया है सिल करके। देखिए ऐसे भी हमारी कैप देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, देखिए ड्रेस के साथ तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी मैचिंग की कैप। और देखिए यहाँ पे आप पॉम पॉम से लगा सकते हैं ब्लू कलर का, अगर ना चाहें तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए हम इसे मैं ड्रेस के साथ पहनाएंगे तो बहुत ही प्यारी लगेगी। ये देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लग रही है। आप यहाँ पे कोई भी बटन यहाँ पे लगा सकते हैं, नेक बटन यहाँ पे, जिससे ये और भी सुंदर लगे। जितना भी सुंदर इसे आप बनाएं बना सकते हैं उतना बना लें, जैसे भी आपको अच्छी लगे। इसमें नग पॉम पॉम्स जैसे भी आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसमें लगा लें। ये देखिए तो हमारी कैप ऐसे भी बहुत ही सुंदर लग रही है। ये देखिए तो प्लीज़ अगर आपको हमारी कैप और ड्रेस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके भी बताएं कि लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी।